हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी राधाष्टमी क्या है, श्रीमती राधा रानी कौन है? लोग तो भक्त लोग तो ये बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो ये उत्सव है राधाष्टमी बहुत बड़ा उत्सव है, जन्माष्टमी से बड़ा। ऐसा कैसा प्रभु जी? तुम्हें राधाष्टमी का महत्व और श्रीमती राधा रानी के बारे में जानकारी नहीं है? वह कृष्ण की अनंत संगनी एटर्नल कॉन्सर्ट है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय है, जो उनके दिव्य और शाश्वत प्रेम को दर्शाता है। वो सभी संबंधों का सार है। दूसरा, वो कृष्ण की सबसे बड़ी उपासिका है। राधा रानी अपने अनुपम भक्ति और प्रेम के लिए पूजी जाती है, जो कृष्ण के साथ सबसे उच्च रूप की उपासना और संबंध को दर्शाती है। तीसरा, वह कृष्ण की नियंत्रिका के रूप में जानी जाती है। उनका भक्ति और प्रेम इतना गहरा है कि वह कृष्ण को भी नियंत्रित कर सकती है, जो उनकी सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाता है। चौथा, वह हरे कृष्ण महामंत्र में हरे नाम से जानी जाती है, जो इस दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, जो कृष्ण की उपस्थिति और कृपा को आकर्षित करती है। उनका जन्म राधाष्टमी पर मनाया जाता है। राधा रानी के दिव्य जन्म का उत्सव हर साल राधाष्टमी पर मनाया जाता है, जो उनके जन्म और कृष्ण के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति को सम्मानित करता है। थैंक यू प्रभु जी, आपने राधा रानी के बारे में इतनी अच्छी तरीके से बताया। लेकिन प्रभु जी एक बात बताइए, कृष्ण को तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, जो सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वे कैसे राधा रानी के कंट्रोल में आ सकते हैं? अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, पर ये जानने के लिए तुम्हें राधा रानी के अनंत गुणों में से तीन गुणों के बारे में जानना जरूरी है। पहला, सेल्फलेस डिवोशन। एक आर्टिस्ट को सोचो जो अपनी पूरी जिंदगी एक मास्टरपीस बनाने में लगा देता है, बिना किसी फेम या पर्सनल गेन के, बस उसे वो आर्ट करने से खुशी मिलती है। ये राधा रानी के सेल्फलेस डिवोशन को दर्शाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ट्रू डिवोशन कृष्ण के प्लेजर के लिए होता है, बिना किसी रिवॉर्ड की अपेक्षा के। श्रीमती राधा रानी की डिवोशन कृष्ण के लिए बिल्कुल सेल्फलेस है। बहुत अच्छा बात बताया। दूसरा, अनकंडीशनल लव। एक माता पिता को सोचो अपने बच्चे से बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, चाहे वो बच्चा जैसे भी हो। ये अनवेवरिंग प्रेम राधा रानी के अनकंडीशनल प्रेम को दर्शाता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 30वें अध्याय में 28 श्लोक में बताया गया है, उनको सर्वोच्च उपासिका बताया गया है, जिनका प्यार कृष्ण के प्रति सर्वोपरि है और कृष्ण भी उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे पेरेंट का प्यार कभी भी कम नहीं होता, वैसे ही राधा रानी का डिवोशन कृष्ण के लिए प्योर और एटर्नल है, जो अनकंडीशनल लव का हाईएस्ट आइडिया। तीसरा, इंटेंस लॉन्गिंग। एक ट्रैवलर को सोचो जो घर लौटने के सफर पर है और हर कदम के साथ उनकी आतुरता अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बढ़ रही। ये इंटेंस यर्निंग राधा रानी के कृष्ण के प्रति लालसा को दर्शाता है, जब वो उनसे विरह में होती है। गीत गोविंद में ऐसे कहा गया है कि उनका हृदय विरह की आग से जलता है, जो उनके प्यार को और भी गहरा बना देता है। वैसे ही राधा रानी की लालसा उनका डिवाइन कनेक्शन को डीपन करता है और उनके मिलन को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली प्रेशियस बनाता है। प्रभु जी आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और सुनो, जैसे कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाएं वृंदावन में की थी, उसी प्रकार राधा रानी की लीलाएं बरसाना नामक दिव्य स्थान पर हुई थी। बरसाना का मतलब है राधा रानी की कृपा की वर्षा, जो इस पवित्र स्थल में सब जगह व्याप्त है। बरसाना में चार पवित्र गढ़ हैं, बाणगढ़, धानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़, जो ब्रह्मा जी के चार सिरों का प्रतीक, जो उन्हें 60,000 साल तपस्या की फल स्वरूप राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन पाने के लिए मिली। एक बात कहूँ क्या, मुझे तो अब बरसाना जाना है प्रभु जी, प्लीज लेकर चलिए ना मुझे। अरे ऐसे ही थोड़ी जा सकते हैं बरसाना धाम। किसी भी धाम के बारे में हमें पहले कानों से सुनना चाहिए, फिर जाकर हम अपने भौतिक दृष्टि से अनुभव कर सकते हैं। तो पहला गढ़ है भानगढ़, जो राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज के नाम पे है। वहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर श्री जी मंदिर है, जो लाडली जी को समर्पित है। यहाँ लाडली लाल के सुंदर दर्शन देखने को मिलते हैं। इस मंदिर को शिला नारायण भट्ट जी ने खोजा था और फिर तोडरमाल और वीर सिंह राजाओं ने इसको जीर्णोद्धार किया।
अच्छा प्रभु जी, फिर प्रभु जी वो दूसरा गढ़ का नाम क्या है? वो दूसरा गढ़ है दानगढ़। ब्रह्मगिरी की एक और चोटी पर स्थित है ये दानगढ़, जहाँ राधा अपने दोस्तों के साथ खेलती है। यहीं पर कृष्ण ने टैक्स लेने वाले के वेश में आकर राधा का रास्ता रोका दूध और दही मांगते हुए। इस मस्ती भरी लीला की याद में यहाँ का मंदिर दान मंदिर कहलाया गया है, जहाँ दान बिहारी जी की पूजा होती है। एकदम सही है प्रभु जी। फिर तीसरा गढ़ वो मान कुछ बोल रहे थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, मान कुछ था। जी हाँ, तीसरा गढ़ है मानगढ़, जो ब्रह्मगिरी की तीसरी चोटी पर है, जहाँ राधा और कृष्णा की एक अनोखी लीला हुई थी। मान का मतलब है प्रेमिका का रूठना, और यहाँ कृष्ण ने राधा को मनाने की कोशिश की। जब राधा नहीं मानी, विशाखा ने कृष्ण को श्यामा सखी के वेश लेकर वीणा बजाने का सुझाव दिया। कृष्ण की मधुर संगीत ने राधा का हृदय पिघला दिया, और उसी पल में उन्होंने कृष्ण को अपनी प्रेमी के रूप में अपनाया। यहाँ मान बिहारी जी का मंदिर का दर्शन हम कर सकते। ओहो, मुझे आनंद आ गया। और चौथा है विलासगढ़, करेक्ट? यस, विलासगढ़, जो ब्रह्मगिरी नहीं विष्णुगिरी पर स्थित है और अपनी दिव्य स्थान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राधा रानी ने एक दयालु रानी का किरदार निभाया, और उनके साथ ललिता मंत्री बनी, विशाखा पंखा झुलाने वाली। एक चोर को राधा रानी ने अपनी कृपा से मुक्त किया, जो उनकी अनंत दया का प्रतीक है। इस प्रकार से हम श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्थलों का दर्शन कर सकते हैं, समझे क्या? राधाष्टमी के पावन अवसर पर मुझे यूपी के वृंदावन के बरसाना में तो जाने नहीं मिला, लेकिन प्रभु जी की कृपा से गोवर्धन इको विलेज के बरसाना धाम में आया हूँ। तो आप सब भी राधाष्टमी महोत्सव आपके घर पे या आसपास के मंदिर में जाके मनाइए, और बरसाने वाले की जो कृपा बरस रही है उसे प्राप्त कीजिए। तो पहले सुनो फिर चलो।